ये दोस्तों ये है आपका कॉमर्स डिपार्टमेंट और इसमें होती हैं बहुत सारी क्लासेस और बहुत सारी। आप लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो आज हम आए हैं नई वीडियो के साथ जिसका टॉपिक आप देखिए ये है, ठीक है। तो देखिए और समझिए और शेयर कीजिए। बाय बाय, नहीं मतलब अभी वीडियो है, उसके बाद बाय बाय, ठीक है। लग रही है दिस कॉमर्स डिपार्टमेंट और हम आए हैं यहाँ कुछ स्टूडेंट से बात करने। तो आप यहाँ के स्टूडेंट हैं, क्या नाम है आपका? यश महेश्वरी। किस कोर्स में हैं आप? PGDBS। ओके, एक साल का कोर्स है ये, कितने साल? दो साल का, वन ईयर कोर्स। ओके, डेट्स ग्रेट। एंड योर नेम? माय नेम इज हुसैन रिजवी। तो आप इंटरव्यू देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। ओके, तो आप किस कोर्स में हैं यहाँ पे? जी मैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस फाइनेंस। ओके, तो इसका क्राइटेरिया क्या है, किस तरह से एडमिशन होता है यहाँ? यहाँ पे इसका फॉर्म निकलता है और आपको फॉर्म फिल करना होता है, इसमें 100 मार्क्स का टेस्ट होता है, ठीक है, उसको आपको बीट करना होता है। उसके पास यही प्रॉब्लम है, इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इस कोर्स में, ठीक है। ओके ओके, तो इसमें जो है ये कंबाइंड भी होता है किसी चीज़, किस तरह से कुछ और भी कोर्सेज हैं? बेसिकली इस कोर्स का जो टेस्ट होता है वो दो कोर्सेज के लिए सेम टेस्ट होता है। होता है ब्रिम कोर्स है, अच्छा अच्छा, फुल फॉर्म है बैंकिंग रिस्क एंड इंश्योरेंस मैनेजमेंट, और दूसरा जो कोर्स मैं कर रहा हूँ PGDBS है, बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस फाइनेंस। इन दोनों का ही सेम टेस्ट होता है और अच्छा अच्छा होती है स्टूडेंट्स के पास जिन्होंने भी क्वालिफाई, एडमिशन के टाइम पर वो अपना चूज कर सकते हैं, मिल जाती है DBF लेना है या ब्रिम लेना है, ठीक। इसका एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है? 50% आपका होना चाहिए एटलीस्ट, पासिंग मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स है ग्रेजुएशन, जो कि ग्रेजुएशन है। हाँ, और ग्रेजुएशन का कोई बाउंडेशन तो नहीं है कि मतलब कॉमर्स से हो या कहीं से भी हो? नहीं, कहीं से भी हो सकता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मतलब ये BA वाला भी कर सकता है, BA वाला कर सकता है, BCom वाला कर सकता है, BSc वाला भी कर सकता है, BTech वाला भी कर सकता है। BTech वालों को तो ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि BTech के बाद जॉब नहीं मिलती है, तो वही कोर्स आगे कर सकते हैं। नहीं नहीं, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, चलिए खैर कोई बात नहीं। हाँ, ऐसा सुनने में आया है जी। तो इसमें एडमिशन क्राइटेरिया किस तरह से होता है और इसकी डेट वगैरह क्या है? एडमिशन क्राइटेरिया तो मैंने जैसे आपको बताया कि काम होता है इसका, उसमें क्वालिफाई करना होता है, और इसका जो फॉर्म आता है वो जनवरी के एंड में नॉर्मली आ जाता है, और उसका टाइमिंग जो है आपको एटलीस्ट मार्च के फर्स्ट वीक तक ये फॉर्म अवेलेबल रहता है। ठीक ठीक ठीक, भर सकता है। फॉर्म की फीस लगभग 500 रुपीज़ होती है, बट वो अब हर साल के हिसाब से चेंज हो सकती है, बट हाँ वो कभी 450 300 400 के बीच में रहती है। मतलब ये बहुत सही है क्योंकि आपको एक ही फॉर्म में दो कोर्स में एडमिशन लेने का। और इसका फीस कितनी है इस कोर्स की जो आपने बताया अभी जो आप कर रहे हैं? कोर्स की वो जो मैंने पे करी थी साल 2019-20 में 14,600 रुपये फी लगभग। टाइमिंग किस तरह से रहती है इस कोर्स की? जी, इस कोर्स की क्लास की जो टाइमिंग होती है ये दोपहर में 12 बजे से लेकर के 2 बजे से, 5 डेज क्लासेज होती हैं अभी, और जो टाइमिंग होती है वो 9 बजे से लेकर के 2 बजे तक की क्लासेज होती हैं। ओके, तो इस तरह से पैकेज का क्या रहता है इसका? पैकेज का वैसे मैं तो अभी कोर्स कर रहा हूँ, बट मैंने अपने सीनियर से यहाँ पे बात करी है और उन्होंने बताया कि पूरी तरह ये डिपेंड करता है कि इंटरव्यू कैसा हुआ, आपकी नॉलेज कैसी है, लेकिन उसके बाद भी मैंने चेक किया है तो 3.75 लाख से अराउंड 6 लाख तक का पैकेज बच्चों। तो ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कॉमर्स डिपार्टमेंट से हमने स्टूडेंट से बात की है। तो चलिए फिर, और भी अगले उस वीडियोज़ में हम आपसे बात करेंगे। चलिए फिर, थैंक्स।